लाख छुपाने पर भी आपने तलहू चीख कर पुकारेगा। तुम्हारा असली वारिस अपना हक लेने लौटेगा। जो भी उसके रास्ते में आया उसे ऐसी मौत दी जाएगी कि वो जहन्नुम में जाने के लिए तरसेगा। ये मेरा श्राप ही नहीं, मेरी भविष्यवाणी भी है। तुम्हारा वारिस आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मर जाने दो भैरव से, यही छुटकारा है शराब से। मेरी मौत। ऐसी बात मत करिए हुकुम। आप हेलो अजीत बेटा, धवलगढ़ की हवेली से बोल रहा हूँ मैं, भैरव सिंह। बोलिए ताऊ साहब, मामा साहब कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है बेटा, अब समय आ गया है, तू तू जल्दी से हवेली आ जा। ताऊ साहब ने गाड़ी नहीं भेजी, अजीब बात है। यहां से तो कैब भी नहीं मिलेगी। ओ भैया क्या है? कुंवर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली चलोगे डबल पहाड़ी पर? अरे उषा, दिमाग तो ठीक है ना? इतनी रात उस मनहूस जगह अपनी मौत बुलाने जा रहे हो क्या? मालूम नहीं कल रात क्या हुआ है वहां पे। जानता हूं, तभी तो जा रहा हूं, चाहे दुगने पैसे ले लो लेकिन प्लीज चलो। हाँ ठीक है, बैठो। अचानक से पता नहीं कुछ साहब, एक बात पूछे, आप वो कुंवर साहब के रिश्ते में है क्या? मामा साहब वो हमारे, हम कलकत्ता में थे। हेलो अजीत बेटा, धवलगढ़ की हवेली से बोल रहा हूँ मैं, तू जल्दी से हवेली आ जा। इसलिए आना होगा। प्रॉब्लम हमको पता है साहब, उस हवेली में एक बुरा साया है, किसी 100 साल पुरानी चुड़ैल का, जो लोगों की जान ले रही है। बस इतना ही पता है तुम्हें? क्यों, कहानी कुछ और भी है क्या? बहुत लंबी कहानी है दोस्त, सफर भी लंबा है बाबू, आप चाहे तो सुना सकते हैं। तो सुनो, आज से 30 साल पहले धवलगढ़ की हवेली में राजमाता रेणुका देवी के साथ रहते थे रियासत के कुंवर महाराज रुद्र प्रताप सिंह, उनके भाई देवी सिंह, उनकी पत्नी मेखला
और उनके दो छोटे बच्चे रतन और वीर, और दिल्ली में रह रही उनकी बहन सुवर्चला, जिसका बेटा मैं अजीत से। यह कहानी उन दिनों शुरू होती है जब धवलगढ़ के जंगलों में मेरे मामा साहब रुद्र प्रताप सिंह एक घायल शेरनी को ढूंढने गए थे। संभाल के हुकुम। उस घायल शेरनी ने चार लोगों की जान ले ली। मारना नहीं चाहता उसे। अगर हम उसे बेहोश करके पकड़ ले तो जान के बदले जान धवलगढ़ के राजघराने का इंसाफ नहीं है भैरव सिंह। हमें कुछ भी करके इसे बेहोश करना होगा ताकि हम इसे पकड़वा सके। संभाल के हुक्म। हे भवानी, मुझसे क्या हो गया? और फिर उस एक पल में शिकारी खुद शिकार हो गया। रुद्र प्रताप सिंह को पहली नजर में रेशमा से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम रेशमा था। जंगल में बसे एक बंजारे कबीले से थी और धीरे धीरे उसे भी कुंवर रुद्र प्रताप सिंह से लगाव हो गया। दोनों रोज मिलने लगे, कभी हवेली में, कभी जंगलों में, कभी नदी किनारे, और करीबियां बढ़ती चली गई। जा रहे हो तुम? कितनी बार कहा है उस बंजारन से दूर रहो। और मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि मैं रेशमा से प्यार करता हूं। हुकुम, मैंने उस बंजारन कबीले के बारे में पता किया है। आप हाँ भाई साहब, लोग कहते हैं कि वो चोरियां करते हैं। सही तो कहते हैं लोग, दिल चुरा लिया उसने मेरे, उसे लेने जा रहा। मानो रेशमा ने रुद्र प्रताप पर एक जादू सा कर दिया था, पर वो जानता नहीं था कि वो जादू काला जादू था। रेशमा, कहीं रेशमा को कुछ हो तो नहीं क्या?
उस घायल शेरनी ने तो रेशमा 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 कौन है वहां कौन है तू यहां कैसे चलो अच्छा ही है एक ना एक दिन तुम मेरी सच्चाई जान ही जाते तुम चुड़ैल हो सही कहा था भैरव सिंह ने तुमसे जंगल में तरह तरह के छलावे हैं लेकिन मेरा प्यार छलावा नहीं है रुद्र तुमने धोखे से मुझे अपने जाल में अपने प्यार में फंसाया चली जाओ यहां से इसलिए भैरव सिंह मासो रानी ऐसा कैसे कह सकते हो तू यहां इतनी रात को मासा ये चुड़ैल है ये चुड़ैल क्या भैरव सिंह ले जाओ यहां से हुक्म मैंने सिर्फ तुम्हें हाथ लगाने की इजाजत दी किसी और को नहीं जा रही हूं